All right, there's a tough situation in Bihar, and joining us right now to talk more about this is Tejaswi Yadav, is the RJD chief and also the leader of opposition. Tejaswi, NDTV se baat karne ke liye aapka bahut bahut dhanyawad. Mera sabse pehla sawal aapse ye hai ki aapke pradesh mein aise lagta hai jaise ek dohri maar hai. Corona to hai, bimari bhi hai aur baad bhi hai. Aapko kya lagta hai ki sarkar isse nipat pai hai theek se? नहीं नहीं यहाँ बिहार में तो सब कुछ जो है वो भगवान भरोसे है. और अगर आपने COVID-19 के बारे में बात की है, सवाल पूछा है, तो मैं जरूर जो है इसमें आपको पता होगा 3 मेंबर्स जो सेंट्रल की कमेटी जो है वो आई थी और उसने अपने रिपोर्ट में क्या कहा था, मैं चाहता हूँ कि उसको थोड़ा हाईलाइट करूं. मैं कुछ रीड आउट करूंगा उनकी जो रिपोर्ट है. मेंबर्स वे अगस्ट एट व्हाट दे सॉ इन पटना एज दे विजिटेड मल्टीपल हॉस्पिटल इंक्लूडिंग bodies of COVID-19 patients lying unattended on beds and in corridors with attendants of the patient moving in around the COVID-19 ward without any restriction. The doctors are not going near the COVID-19 patient as the whole system has broken down and the doctors fear that if they get infected, no one will take care of them. As per union government sources, the Bihar government is just not spending money on fighting COVID-19. They are not purchasing rapid antigen kits. The central government recently gave 10,000 such kits for free to the Bihar government, but they require of least 4 lakh such kits. How can they do mass testing when they only have 20,000 kits for population of 12 crores? तो आप ये देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है. मतलब जो सेंट्रल टीम जो आई है वो खुद बयान कर रही है कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं. जो टेस्टिंग किट्स जो होनी चाहिए वो परचेज नहीं कर पा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से. तो ये स्थिति जो है बद से बदतर है. और लगातार जो हम कहते रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, अच्छे अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, टेस्टिंग किट्स की कमी है और आपको जो है टेस्ट जो है बढ़ाने की जरूरत है. बिहार जो है पॉजिटिविटी रेट में 13% है, विच इज द हाईएस्ट इन द कंट्री. और ये 13% तो सिर्फ जुलाई महीने का है. अगर हम शुरू दिन से अगर हम बात करें 4 महीनों की, तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो 20% से भी ज्यादा हो चुका है. तो इस हालात में आपने देखे होंगे कई वीडियो सोशल मीडिया पे भी जो कोविड पेशेंट जो है उनके फैमिली के लोगों ने बनाने का काम किया है, विच इज वेरी शेमफुल. और हम लोग इंसानियत के नाते हम लोग जो है शर्म आती है कि ऐसी व्यवस्था जो 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरी हॉस्पिटल सिस्टम को जो है कोलैप्स कर दिया. अब ये देखिएगा, इन सच अ डिफिकल्ट टाइम फाइल्स आर रिलेटेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 4,000 डॉक्टर्स एंड 6,000 नर्सिंग स्टाफ आर शटिंग बिटवीन द मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट फॉर मंथ्स. मतलब जहां जरूरत है हमको डॉक्टर्स और नर्स की, जो अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए 4,000 डॉक्टर्स की, 6,000 जो नर्सिंग स्टाफ की, इनकी जो फाइलें हैं ये मिनिस्टर से सेक्रेटरी तक ही घूम रहे. इस संकट की घड़ी में और फ्लड में तो आपको पता है कि पूरा उत्तर बिहार, नॉर्थ बिहार फ्लड्स पे तेजस्वी में हुआ है. तेजस्वी, फ्लड्स पर मैं अभी आऊंगा, उस पर भी आपसे विस्तार से सवाल पूछूंगा. कोविड के बारे में ही अगर हम उस संदर्भ में बात करें तो आप देखिए, अलग अलग राज्य हैं जिन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने नंबर सप्रेस करने की कोशिश की. दे ट्राई टू सप्रेस द नंबर्स और उसका एक बड़ा विभत्स रूप उनको देखने को मिला. अ वेरी अगली साइड बिकॉज द वायरस बाउंस बैक इन सच अ वे दैट इट वाज हार्ड टू हैंडल. आपको लगता है कि यही चीज अब बिहार में हो रही है कि कम टेस्टिंग करो, आंकड़े दबाओ, लेकिन जब मामले उछल करके आएंगे तो वो काबू में नहीं आएगा. इवन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी दे हैड सेड दैट कि बिहार इज द वर्स्ट. मतलब कि यहाँ आंकड़े जो है छुपाए जा रहे हैं. मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, कई ऐसे मतलब जिसने टेस्ट भी नहीं कराया उसका जो है पॉजिटिव रिपोर्ट आ जा रहा है. मतलब ये अद्भुत है कि आपने टेस्ट नहीं कराया और आपका रिपोर्ट आ रहा है. और यहाँ हमारे MLA MLC जो है पार्टी के, उन्होंने भी अपना टेस्ट कराया, 20 दिन तक रिपोर्ट नहीं आ रहा है. CM का जो रिपोर्ट है, टेस्टिंग रिपोर्ट है, वो 2 घंटे में आ जा रहा है. तो ये किसी के समझ का नहीं है और मैनिपुलेशन चल रहा है. मान लो कि 1500 अगर पॉजिटिव आया एक दिन में, तो आज 1000 शाम में बताएंगे और 500 जो है कल सुबह बताएंगे. तो एक दिन का जो है वो 2 दिन में स्प्लिट करके
ये जो है आंकड़े बता रहे हैं और पूरी तरीके से आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। ये लगातार हम ब्लेम शुरू दिन से ही कर रहे हैं। और जो अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, उसने भी इस बात को जो है प्रमाणित किया है उनके अपने रिपोर्ट में कि बिहार जो है सबसे फिसड्डी राज्य है और आंकड़ों के साथ जो है मैनिपुलेशन चल रहा है। और संख्या जो है आपको भी पता है कि सबसे कम संख्या टेस्ट कराने के मामले में बिहार गवर्नमेंट है। और अभी हम आपको आंकड़ा देंगे, एक जो 12 करोड़ 13 करोड़ हमारी जो आबादी है, केवल 0.35% ही अब तक जो है पूरे पॉपुलेशन की टेस्ट हो सकी है, 0.35%। अगर 10 लाख प्रति 10 लाख व्यक्ति की अगर बात करें तो केवल 3,500 लोगों की ही जांच होती है, यानी 10 लाख लोगों में केवल 3,500 लोगों की जांच होती है। तो अगर COVID-19 से अगर हमें लड़ना है तो वी हैव टू ट्रेस दैट। और जब तक हम ट्रेस, आपको क्या लगता है इसमें प्रधानमंत्री का सीधा इंटरवेंशन चाहिए बिहार जैसे राज्य में, जिस तरीके से दिल्ली में आपने देखा कि एक हस्तक्षेप हुआ, द होम मिनिस्टर गॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, यहां पर भी मामले बढ़ रहे थे लेकिन फिर एकदम से अब कम हुए हैं, मुंबई में मामले कम हो रहे हैं, आपको लगता है बिहार में भी अब एक स्पेशल अटेंशन की जरूरत है सीधा केंद्र से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा? देखिए, हम इतना कहना चाहते हैं स्थिति बद से बदतर है और भगवान भरोसे सब कुछ है। बिहार में बीजेपी की भी गवर्नमेंट है, नीतीश बाबू की भी गवर्नमेंट है और बीजेपी के लोगों को 40 में से 39 सीट जो है एनडीए के लोगों को दिया है। और आपको पता होगा जो हेल्थ स्टेट यूनियन मिनिस्टर जो है वो बिहार से आते हैं, कई मंत्री बिहार के हैं। यहाँ भी आप देखिएगा कोई जो है कोई सुनने नहीं जा रहा, कोई लोगों के बीच नहीं जा रहा, कोई समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा। और हम तो सेंट्रल से भी पूछना चाहते हैं कि अगर बिहार बैकवर्ड स्टेट है, अगर आपकी यहाँ भी गवर्नमेंट है तो आपको तो उसी हिसाब से जो है वेंटिलेटर्स बिहार को देना चाहिए था, जो कि अब तक नहीं मिला। जरूरी थोड़ी है कि भाई बिहार सरकार अगर नहीं मांगेगी तो आप नहीं दीजिएगा, आप देंगे नहीं, तो आपको तो फर्ज बनता है कि हर एक तरीके से जो है बिहार को, नीतीश कुमार मांगे या ना मांगे, ये ध्यान होना चाहिए था केंद्र का बिहार की ओर, ये आपका कहना? एकदम जरूरी है। अच्छा, कि बिहार जो है देश के बाहर नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर फेल हो सकती है, पूरी तरीके से फेल हो गई है, तो आपका सेंट्रल की जिम्मेदारी तो मानना पड़ेगा ना, फेल हो गई या नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि केंद्र मानती है इस बात को। अब केंद्र नहीं मानती, बट जो रिपोर्ट जो हमने ये जो रिपोर्ट जो पढ़ा है, चलिए ये सेंट्रल की रिपोर्ट है। और अच्छा, ये सेंट्रल की रिपोर्ट जो है ये कह रहे हैं कि भाई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही कह रही है कि भाई बिहार गवर्नमेंट इज जस्ट नॉट स्पेंडिंग ऑन मनी फॉर फाइटिंग COVID-19। मतलब ये स्थिति बनी हुई है बिहार गवर्नमेंट की, तो आप समझ सकते हैं सेंट्रल का ही रिपोर्ट है ये। वो माने ना माने, लेकिन उनकी जो टीम उनकी अपनी रिपोर्ट ये बयान कर रही है, तो उन्होंने ये कहा था तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अब मैं आपसे दूसरी जो दोहरी मार है वो दूसरी चीज के बारे में भी बात करना चाहता हूँ, बाढ़ की स्थिति। नए नए नवनिर्माणित पुल जो है वो ढह जा रहे हैं, लोग एकदम बदहाल हैं, अस्पतालों की स्थिति ये है कि वहां पर लोग बेड पर बैठे हैं और चारपाई के चारों पाए पानी में हैं। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? क्योंकि जब सुशील मोदी से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला लालू प्रसाद यादव भी तो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया? देखिए, एक स्पष्ट एक बात कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का, हेल्थ डिपार्टमेंट का आंकड़ा कुछ और होता है, डिप्टी सीएम का आंकड़ा कुछ और होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा कुछ और होता है, मतलब कोई मैच ही नहीं है। तो आप समझ सकते क्या स्थिति जो है बिहार में। There is only one dedicated hospital COVID-19. वो NMCH, वो पटना में थोड़ी सी बारिश आती है पूरा जो है जल जमा हो जाता है, मतलब कि वहां कुत्ते घूम रहे होते हैं, कोई हाइजीनिक व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है। बाहर के इलाकों का तो आप छोड़ ही दीजिए, पूरा उत्तर बिहार जो है आज बाढ़ के चपेट में है, स्थिति बद से बदतर हो गई है। और नीतीश बाबू जो है 130 दिनों से बाहर नहीं निकले हैं और हमको लगता है ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बाढ़ के समय जो है इनके पास हेलीकॉप्टर भी है, अगर COVID-19 का इनको डर है तो इनके पास हेलीकॉप्टर था, हेलीकॉप्टर से वो निकल करके वो मुआयना कर सकते थे। क्यों नहीं कर रहे हैं? सुशील मोदी जी जो है ये सवाल उठाते हैं बार बार जो है हम लोगों पे सवाल उठाते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, 15 साल से इनकी गवर्नमेंट है, इनको जवाब देना पड़ेगा। हमसे
क्या हुआ 15 साल में, 30 साल पहले क्या हुआ, 35 साल पहले क्या हुआ, 40 साल पहले क्या हुआ, अकबर के जमाने में क्या हुआ, अंग्रेजों के जमाने में क्या हुआ, इसका समय नहीं है। सरकार जो है जवाब उनको देना पड़ेगा जो लोग सत्ता में बैठे। 15 साल में ये लोग सत्ता में बैठे हैं, और 15 साल में अगर नीति आयोग की अगर बात करें तो नीति आयोग ने कहा है कि सबसे फिसड्डी राज है हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, तो इनको तो जवाब देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए, व्हाट डज योर तेजस्वी, व्हाट डज योर पॉलिटिकल विजडम से आपको क्या लगता है, आपके विवेक के हिसाब से क्यों नहीं अभी मुख्यमंत्री ऐसा क्यों करना चाहेगा कि राज्य की बुरी स्थिति और वो घर में ही बंद रहे। संकेत, आप जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं, इन लोगों को इलेक्शन की चिंता है, लोगों की चिंता नहीं है। द होल सिस्टम, पूरा जो ब्यूरोक्रेसी है या आपका पूरा जो सिस्टम है वो इलेक्शन की तैयारी में लगा है। आपको पता है अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, तो पहले से ही तैयारी होती है। तो फ्लड को छोड़ दिया गया है, COVID-19 को छोड़ दिया गया है, और नीतीश कुमार जी को जो चिंता है उनकी कुर्सी बचाने की चिंता है। अब पूरी तरीके से आप देखिए, जो जो तटबंध है वो टूट जा रहे हैं, जो पुल पुलिया हैं, जो आपके ब्रिजेस हैं वो टूट जा रहे हैं, बह जा रहे हैं। इनके मिनिस्टर कहते हैं कि चूहा काट देता है, पूरी तरीके से जो है करप्शन हो रहा। वेन यू नो कि भाई डिजास्टर आता है, बिहार में फ्लड की समस्या हमेशा रहती है, इस महीने रहती है, तो आपको तो प्रोएक्टिव आपको काम करना चाहिए था। आप जो है डिजास्टर आने के बाद जो है आप जो हाथ पार हिलाते हो, उस बार तो हाथ पार भी नहीं हिलाया गया। तो ये स्थिति है, ये सरकार जो है इनकी पूरी चिंता। अब देखिएगा कि ये राम मंदिर जो बन रहा है, मुख्यमंत्री जो है वहां जाने वाले हैं 5 तारीख को, तो ये स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री फ्लड विक्टिम से मिलने नहीं जाएंगे, फ्लड की सिचुएशन को देखने नहीं जाएंगे। बिहार में हमको मंदिर से ज्यादा जो है हमको अस्पताल की जरूरत है, लोग मर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जो है वहां जाएंगे और 7 तारीख को वर्चुअल रैली करेंगे। तो दैट शोज दैट उनका जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन। नहीं, तो आपका, आप तेजस्वी, आपका ये कहना है कि नीतीश कुमार के लिए मंदिर ज्यादा बड़ी प्राथमिकता है बजाय उनका अपना राज्य, ये आरोप लगा रहे हैं आप? हम इतना कहना चाह रहे हैं प्राथमिकता मंदिर है उनके लिए या नहीं है वो दैट इज डिफरेंट, बट उनकी प्रायोरिटी है कि उनको कुर्सी पे बचे रहना है, सीएम उनको रहना है, उनको चुनाव की चिंता है। और अभी जो खबरें जो आती हैं वो दिखाई देता है जैसे चिराग पासवान जो है कुछ और कहते हैं, तो वो अपने सिचुएशन जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको ठीक करना चाहते हैं, बार्गेनिंग मोड में है। तो उनको जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो चुनाव को लेकर के है, लोग यहाँ मर रहे हैं, लोग यहाँ परेशान हैं, पूरा हाहाकार मचा हुआ है, और कहीं भी कोई भी नहीं। आप बताइए 4 महीने में एक बार हेल्थ मिनिस्टर जो है वो हॉस्पिटल विजिट करता है, वो भी तब जब ऑपोजिशन जो है आवाज उठाती है, तब जाकर के हेल्थ मिनिस्टर के जाने के बाद भी आपने देखा होगा कि लाशों का ढेर जो है अस्पतालों में लगा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई छूने वाला नहीं है, कोई इलाज करने वाला नहीं है। तो ये प्राथमिकता होनी चाहिए, जो है पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है जी, ये प्राथमिकता। तेजस्वी यादव, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, आज की जो मौजूदा द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन इन बिहार, उसको अगर आपको जल्दी से कोई नसीहत देनी हो, कुछ बताना हो, क्योंकि अभी आप तो आप चुनाव की रणभूमि में भी जाने वाले हैं, नीतीश कुमार के लिए नसीहत? देखिए, इनके लिए नसीहत यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है जांच की संख्या बढ़ाई जाए, पारदर्शिता बरती जाए, गलती को मान करके गलती को सुधारे, और ज्यादा से ज्यादा जो है डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाए, डॉक्टर्स की जो बहाली है, नर्सिंग की जो बहाली है वो जल्द से जल्द करें। और यहाँ तो डॉक्टर्स को पीपी किट्स नहीं, कम से कम जो है सबसे अर्जेंटली नीतीश कुमार जी उनके गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि लोगों जो डॉक्टर्स हैं उनको पीपी किट जो है वो उपलब्ध कराना चाहिए। जो सेंट्रल कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उनको जो है सुविधाएं नहीं मिलती, पीपी किट्स नहीं मिलता, वो जो है पेशेंट के पास जाने से डरते हैं, तो इलाज कैसे होगा। तो ये सारा जो सिस्टम है उनसे इतना ही कहेंगे कि चुनाव की चिंता छोड़िए, चुनाव टल भी सकते हैं और चुनाव आते जाते रहेगा। लोकतंत्र में जब लोग नहीं रहेंगे तो तंत्र का मतलब कुछ नहीं है, जान है तो जहां है, तो आप जो है लोगों की जान बचाइए, हम उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं। लोग को बचा लीजिए, तंत्र अपने आप बच जाएगा, ये है आपकी नसीहत जी। तेजस्वी यादव, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू एनडीटीवी।